हेलो गाइस, सो आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ गोजो सातोरू इन डिजिटल आर्टवर्क इन आईबीस पेंट ऐप। तो जैसे कि मैं एनीमे नहीं देखता हूँ, तो इसलिए मैंने गूगल से बहुत सारी रेफरेंस पिक्चर देखकर एक रफ सा आउटलाइन बनाया फेस का, फिर उसके ऊपर मैं और रिफाइंड तरीके से आउटलाइन को ड्रॉ कर लूँगा। तो जैसे कि मैं आउटलाइन को उतना एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ नहीं कर रहा, तो जो बॉडी पार्ट से जो मेजरमेंट से थोड़े से ज़्यादा बड़े या तो छोटे बन जाते हैं, तो उनको मैं लासो टूल की मदद से ठीक करता हूँ। फिर आउटलाइन के बन जाने के बाद जो बेस कलर्स है उनको मैं बकेट टूल की मदद से या तो सिंपल ब्रश से ही फिल कर दूंगा। और हाँ, आउटलाइन के बाहर कलर्स ना आ जाए तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला लासो टूल का। और हेयर्स के अंदर जो डिटेलिंग है उनको भी मैं लासो टूल की मदद से बना लूँगा। फिर बढ़ते हैं मार्क्स की तरफ। तो जहाँ जहाँ पे पिंक हाइलाइट्स है उन एरियाज को मैं लासो टूल की मदद से सिलेक्ट कर लूँगा, फिर उनके अंदर मैं पिंक कलर को फिल कर दूँगा। और इन्हीं सिलेक्टेड एरियाज़ के अंदर मैं सॉफ्ट एयर ब्रश की मदद से थोड़ा सा ग्लो भी ऐड करूँगा। अब बस यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं है, अब मैं फेस पे शैडो और हाइलाइट्स के एरिया पे कलर्स को फिल करूँगा। इसके बाद एक बड़े ब्रश की मदद से मैं जो क्लॉथ का बेस कलर है उसको मैं फिल करूँगा। और फिर कुछ दूसरे ब्रशेस की मदद से मैं शैडो और हाइलाइट्स जो कि पिंक कलर के हैं उनको भी मैं ऐड कर दूँगा। फिर इसके बाद जो हैंड है उसके अंदर मैं कलर फिल करूँगा और लासो टूल की मदद से शैडो ऐड करूँगा। फिर पहले जिस आउटलाइन को मैंने पतला सा ड्रॉ किया था, अब उसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूँगा। फिर बैकग्राउंड में मैं एक सीनरी को ड्रॉ करने वाला हूँ अपने कलर थीम के हिसाब से, और इसको उतना अच्छे से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि लास्ट में इसको ब्लर ही करना है। फिर अगेन लासो टूल की मदद से गोजो के फिंगर से जो मैजिकल रेज निकल रही है उनकी जो मेन शेप है उनको मैं बना लूँगा और उनके ऊपर एक पिंक ग्लो भी ऐड कर दूँगा। फिर मैंने सोचा था कि यहाँ पे एक सन रे ओवरले भी अच्छा लगेगा, लेकिन वो फालतू लग रहा था तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। और इसी के साथ हमारी गोजो सातोरू की ड्राइंग भी फिनिश हो जाती है।